फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम टिप्स। लास्ट टाइम एवरेज की डेफिनेशन, ठीक है, और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन किया था। उसमें सिर्फ मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला ही बताया था और एक एग्जांपल कराया था। अब हम आगे करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं और मैंने वहां पर आपको लास्ट वीडियो में कुछ संख्याएं भी बताई थी, जैसे प्राकृतिक संख्या है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इस टाइप से बताया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारे पास। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब आपको दिया है यहाँ पे 100 दिया। अगर आपको चार संख्याएं दी है, पांच संख्याएं दी है, 10 भी दी है, तो भी आप उनका सम करके और उनको डिवाइड करके कर लोगे। बट लेकिन यहाँ पर आपको 100 दे दिया, वो भी प्राकृतिक संख्या दिया है, ठीक है। मतलब 1 से लेके 100 तक की आपको क्या करना होगा, उनका सम निकालना है। तो आप अगर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिखेंगे और करते हुए जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर लेकिन हमें उस तरीके से नहीं करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक, मान लीजिए, या जो भी फॉर्मूला है उसे वो मान सकते हैं आप। तो क्या है, n+1/2, ठीक है। क्या है, n+1/2। n क्या है यहाँ पर, n क्या होगा, जितने भी आपको संख्या दी है वो यहाँ पर n होगा। जैसे यहाँ पर आपको 100 प्राकृतिक बोला है, तो यहाँ पे जो n होगा वो 100 होगा, आपका 100 होगा, ठीक है। तो देखिए सोल्व कैसे करना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, n+1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रखेंगे आप, 100+1 करेंगे, डिवाइडेड में 2 रखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 101/2। जब आपको पूरा सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 50.5 आएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद की संख्या को हम सिंगल सिंगल काउंट करते हैं कभी भी, जैसे अगर यहाँ पे 50.45 होता तो आप उसको 45 नहीं बोलते, आप उसको 45 ही बोलेंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर अभी 5 है तो आप इसको 5 ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, n+1/2 के फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर आपको यहाँ पे 1000 संख्या भी वो दे देता, या अगर आपको यहाँ पे वो 500, 600, 700 कितनी भी बोल देता कि इतनी संख्या हो, आपको फाइंड आउट करना है, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी संख्याओं पे बेस्ड है, मैंने आपको जो कि बता दिए थे। तो आप अगर प्राकृतिक संख्या बोल रहे हैं तो वो प्राकृतिक संख्या के हिसाब से सॉल्व करोगे, अगर वो और संख्या बोल रहा है तो और के हिसाब से करोगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब होल नंबर, होल मतलब गोल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है उसमें, 0 से स्टार्ट होता है वो, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है आगे तक का, जितना भी आपको बोला हो। तो यहाँ पर 50 बोला है तो आप 0 को इंक्लूड करोगे तो 50 कहाँ तक आएगा, 0 से स्टार्ट करोगे तो आपका 49 तक 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आंसर में सॉल्व करते हुए लिखा है 0, 1, 2, 3 up to 49, ठीक है। तो देखिए, अब आपको 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो आपने लिखा 0+49, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो फर्स्ट फॉर्मूला की तरह यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज हुआ है फर्स्ट डिजिट, जो पहली संख्या है, ठीक है, और जो लास्ट की संख्या है, उन दोनों का एडिशन और डिवाइड में 2, ठीक है। मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, वो देखिए, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू एवरेज, मतलब पहली संख्या प्लस में आखिरी संख्या भाग 2 से देना है, ठीक है। तो उससे क्या आएगा, आपका औसत आ जाएगा, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हो तो आपसे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस थे, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो फर्स्ट में अगर आपसे पूछता है प्राकृतिक संख्या, तो n+1/2 का यूज करेंगे आप, ठीक है।
अगर वो पूछता है प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट प्लस में लास्ट डिजिट अपॉन में 2 इज इक्वल टू एवरेज। फर्स्ट क्या है यहाँ पर 0 है और लास्ट क्या है आपका 49 है, ठीक है, और आपने क्या किया है उसको डिवाइड किया है 2 से, तो आंसर कितना आया 24.5 आपका आंसर आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ एक और बात, एवरेज चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस, वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। हम और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये तो अभी बेसिक है बिल्कुल, ठीक है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है, तो हम फॉर्मूले से ही कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, पर लेकिन ये सारी चीजें आपको कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम अगली वीडियो में आपके लिए फिर कुछ नए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।